करसौत पंचायत की जनता को दीपक कुमार सिंह की तरफ से हार्दिक नमन है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि इस चुनाव को जो मैं लड़ रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था से मिलने वाली जितनी राशि है या समाज में जो भी इस तरह की बातें हैं जो जनता तक नहीं पहुँच पाती वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को उनका हक मिले और वोट की राजनीति ना हो। अब आचार संहिता चल रहा है तो आचार संहिता की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी तो करना बिल्कुल आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन फिर भी जैसा मुझे मीडिया से पता चला कि जो भी हमारे वर्तमान प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनका टावर उनके ज़मीन में नहीं है, यानी कि मेरा जो टावर लगा हुआ है जियो कंपनी का टावर वो मेरे निजी ज़मीन में नहीं है। तो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई सरकारी कंपनी हो, निजी कंपनी हो, जब भी वो कुछ अपना स्कीम आपके किसी ज़मीन में लगाती है तो सबसे पहले राजस्व विभाग या जो अंचल अधिकारी हैं वो उसको एक LPC देते हैं जिसको वो भू स्वामित्व प्रमाण पत्र कहते हैं। और भू स्वामित्व प्रमाण पत्र तभी मिलता है जब उस ज़मीन की करेंट रसीद जो है वो अपडेटेड हो या आपके नाम से कट रही हो। तो मेरे हाथ में जो मेरा टावर लगा हुआ है जिसका खाता नंबर 72 और खसरा नंबर 1247 है और इस ज़मीन की जो रसीद है आप ध्यान से देखिए, मीडिया के थ्रू आप दिखाइए कि ये मेरे पिता नवीन चंद सिंह के नाम से अभी भी कटी हुई है। मेरे हाथ में वो रसीद है, ये अगले 2020-21 की रसीद है, वो उसके पिछले साल की रसीद है। तो करंट की रसीद मेरे फादर के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से कट रही है जिस नाम से टावर है। और अगर इस पर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो तो बिहार सरकार की आधिकारिक जो राजस्व विभाग की वेबसाइट है आप वहाँ पर जाएँ और आप खाता नंबर 72 और खसरा नंबर 1247 इसको आप जाँच करके देखें तो जमाबंदी नवीन चंद सिंह के नाम से जो कि मेरे पिताजी हैं उन्हीं के नाम से दर्ज है और ये जो लीज डीड भी बना हुआ है जियो कंपनी की तरफ से वो नवीन चंद सिंह के नाम से बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज़ को दबाने के लिए कि सच के साथ रहने वाले लोगों को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आचार संहिता की मर्यादा होती है, एक वर्तमान प्रतिनिधि को आचार संहिता के खिलाफ ऐसा नहीं कहना चाहिए। और आगे भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे जो भी प्रतिद्वंदी हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप विचारों का चुनाव लड़िए, अपने विशेषता पे चुनाव लड़िए, किसी से व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए और ऐसा करना हमारे समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे आपसी संबंधों को भी ठेस पहुँचती है। एक दलान का अपना मामला आया था, क्या सच्चाई उसकी, क्या मामला? देखिए, ये जो मेरा दलान दिख रहा है ये मेरा पूर्वजों का अपना घर था। अब ये दलान पिछले 70 सालों से अपने जगह पे जहाँ है वहाँ खड़ा है, ना ही उस दलान के चलते जो रोड है जो सिवान की तरफ से जो रोड जा रही है सवान की तरफ, उस रोड पे ना ही कोई उससे अवरोध है और ना ही उस पे कोई अतिक्रमण है, आने जाने वाले लोगों को कहीं कोई असुविधा नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं निवेदन करूँगा अपने सारे या वर्तमान प्रतिनिधि या गांव के सम्मानित लोगों से कि करसौत गांव से जितने भी इस तरह के दलान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, सबकी एक बार राजस्व विभाग से माफ़ी करा दी जाए। और अगर सब लोग ऐसा पहल करें कि सारे अतिक्रमण एक साथ हटें तो मैं भी तैयार हूं कि अगर दलान अतिक्रमण में है तो उसको हटाया जाए। आपके जो वार्ड नंबर 2 और 3 में जल नल की समस्या है, आप एक प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी भी हैं, तो उसको लेकर आपको आवाज़ भी उठाना चाहिए, आपने उठाया है कि नहीं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जल नल या कह लीजिए कि 7 निश्चय योजना करसौत पंचायत के लिए धरातल पे कुछ भी नहीं है। आप वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, आप कहीं की भी जल नल योजना को देखिए तो उसमें 11 वार्ड में आपको 3 से 4 वार्ड में शायद सुचारू रूप से मिले, जबकि बचे हुए 7 वार्डों में जल नल का पानी कोई दूर तक उसका अता पता नहीं, ना ही उसको कोई रख रखाव करने वाले हैं। एक सच्चाई पूछिए कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो लोग कहते हैं कि रोड बना तो पानी बंद हो गया, इसका मतलब कल पानी चलेगी तो रोड बंद हो जाएगा। यही सच्चाई में लोग जी रहे हैं
वास्तविकता का सामना कराने के लिए मैं बुलंदी से उनके साथ खड़ा हूँ। आपने आवाज़ उठाया कि नहीं इसके खिलाफ? मैं बिल्कुल आवाज़ उठाया हूँ। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के जो भी आधिकारिक लोग हैं, पंचायती राज के जो भी लोग हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि करसौत पंचायत की 7 निश्चय योजना को एक बार देखा जाए और उसमें जो कुछ भी शिकायतें हैं उसको अतिशीघ्र दूर की जाए। और अगर मुझे पंचायत ये मौका देती है तो मेरा ध्यान रहेगा कि अगली बार आप मीडिया बंधुओं को मैं बुलाऊं और वास्तविकता से बेफिक्र होकर मैं बोलूं कि आप मेरे पूरे पंचायत का भ्रमण कीजिए, आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इंदिरा आवास की क्या स्थिति है पंचायत? देखिए, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री की एक पहल है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष कह लीजिए या कह। आपने आवाज़ उठाया कि नहीं इसके खिलाफ? मैं बिल्कुल आवाज़ उठाया हूँ। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के जो भी आधिकारिक लोग हैं, पंचायती राज के जो भी लोग हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि करसौत पंचायत की 7 निश्चय योजना को एक बार देखा जाए और उसमें जो कुछ भी शिकायतें हैं उसको अतिशीघ्र दूर की जाए। और अगर मुझे पंचायत ये मौका देती है तो मेरा ध्यान रहेगा कि अगली बार आप मीडिया बंधुओं को मैं बुलाऊँ और वास्तविकता से बेफिक्र होकर मैं बोलूं कि आप मेरे पूरे पंचायत का भ्रमण कीजिए, आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इंदिरा आवास की क्या स्थिति है पंचायत? देखिए, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री की एक पहल है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष कह लीजिए या कह लीजिए कि भारत सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर वो गरीब जिसको रहने का स्थायी घर नहीं है या पक्का मकान नहीं है उसको मिलना चाहिए। जब आप इंदिरा आवास के लिए जब मैं लोगों से मिलता हूं, पूछता हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए लेकिन आज तक उनको इंदिरा आवास नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 1 साल पहले आवेदन दिया, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 4 साल से आवेदन दे रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 15 साल से देते हुए आ रहा हूं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनाव से कुछ दिन पहले मेरे से कहा गया कि आपका इंदिरा आवास बन जाएगा, आप अपनी फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो मुझे ये बताइए कि क्या आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले इंदिरा आवास बनाने का कुछ तो मतलब बनता है? कहीं ना कहीं आप लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं इस इंदिरा आवास से, जो कि सत्य नहीं है। और सच्चाई जब भी सामने आती है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन साफ शब्दों में मैं ये कहूँगा अपनी आम जनता से कि मुझे एक बार इस पंचायत का सेवा करने का मौका दीजिए। भले ही सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, सच्चाई की जीत होगी। और दीपक कुमार सिंह इस बार करसौत पंचायत की जनता से वादा करते हैं कि आपको एक बेहतर पंचायत बना के दिखाएंगे।